बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हारून अहमद धूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल आर के हारून व्लॉग देख रहे हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज हम आए हैं फार्म पे। तो ये गंदम हमारी कुछ पक चुकी है और उसकी कटाई शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी बरकतें अता की हैं इसमें। ये हमारी हार्वेस्टर आई हुई है, गंदम कट रही है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों से भी शेयर करें कि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। सूरज अपने आबोताब पे चमक रहा है, ये मेरे पीछे देखें। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और माशाल्लाह जी गंदम की कटाई बेहतरीन हो चुकी है। आबिद भाई इसमें सिट्टी में से दाना निकाल हाथ पे परोड़ के। आबिद भाई से मैंने कहा है जी कि आप जो है ना इसको एक दाना निकाल के दिखाएं मुझे कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं हम। माशाल्लाह सूख चुकी है, सारी तो नहीं, खैर थोड़ी सी सूख बीच में है। 3 एकड़ थे और गहने हमारी अभी खड़ी है, तो इसकी कटाई शुरू हो गई है। हमने कहा आपसे भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये हार्वेस्टर है जी, थोड़ा इसमें मिट्टी होती है। खाका बड़ा दोस्तों होता है ये देखें। याबिद भाई ने मुझे एक सिट्टी दी है भरोड़ के, हम अंदर आ गए गेट के, क्योंकि बाहर बड़ा खाका है, धूड़ो धूड़ मिट्टी आ रही थी। ये माशाल्लाह दाने देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फसल है अल्लाह पाक ने। बाहर जाने का कोई बड़े बुरे हालात है, ये देखें आप, बड़ा औखा काम है। अगला सवाल था उससे कि ये सीज़न में कितने पैसे कमा जाती है, ड्राइवरों के खर्चे इसके अपने निकाल के सारा कुछ। तो वो कह रहा था कि ये तकरीबन को 10-1 लाख रुपए तक ना अर्न कर जाती है। दूसरी हमारी ऑर्गेनिक जो गंदम है, ये अभी थोड़ी सी ग्रीन है, बस अल्लाह खैर करे ये भी सबके साथ ही पक जाएगी। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक बरकतें अता करे जी, और अल्लाह पाक ये रिज़्क और रोज़ी सब के नसीब करे। नसीब नसीब की बात है। कुछ लोग जो हमारे से बिछड़ गए हैं, वो देख लें फसलें पक चुकी हैं, लोग चले गए, उनके नसीब में नहीं थी, लेकिन उन्होंने काश्त अपने हाथों से की हुई थी। तो ये नसीब नसीब की बात है। जब मेरे वालिद हैं, वालिद मोहतरम मार शेर मोहम्मद धूल की जब डेथ हुई, तो उस टाइम भी वालिद साहब ने जो गंदम लगाई हुई थी हमारे, वो बिल्कुल तैयार थी, बस कटाई के आखिरी मराइल में थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मोहलत ना दी। तो ये आपको बताने का मकसद है कि इंसान सोचता कुछ है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ सोचा होता है। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये हमारी जो चीज़ें हैं, ये 100-100 साल छोड़ें, ये आने वाले अरसे में हम कहते हैं जी बस हमने तो शायद यही रहना है, सारी चीज़ें जो है ना मज़बूत बनाएँ। लेकिन दुनिया आर्जी है, मुसाफिर खाना है, इसको मुसाफिर खाना ही समझें, इसमें मुस्तकिल रहने वाली कोई बात नहीं। बस आए हैं हम, चले जाएंगे, कुछ पहले आ रहे हैं, कुछ बाद में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ये सिलसिला अल्लाह पाक का है, शुरू है जी माशाल्लाह। बस ये देख लें, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, तो इसमें देखें अब ये हर तरफ चांदी वाला सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि गंदम पक चुकी है, इसका कलर देख लें ब्राउन हो चुका है। वो सामने भी एक आपको नज़र आ रही हो तो हम साए भी कटवा रहे हैं, ये देखें। तो वो बल्कि दाने निकाल रहे हैं, इसका पाइप होता है, उससे पाइप से दाने निकलते हैं, वो सामने आपको नज़र आ रही है। मैंने ये क्लोज़ किया, जूम करके दिखाया है, ये हमारे बिल्कुल साथ ही, ये देखें। तो ये गंदम काट के वो टैंकी उसकी भर गई है, तो उसमें से अब वो निकाल रहे हैं। स्पीड वैसे इसकी बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, बड़ी भागती है ये। ये है जी, मॉडल है 89 मॉडल कह रहे हैं वो, नहीं 79 मॉडल है।
ये तकरीबन 10 मिनट में 15 मिनट में एक एकड़ की कटाई कर देता है। हम यहाँ ज़रा दूर खड़े हैं क्योंकि इसकी वो खाका बड़ा है, वो ना हो के गले में बैठ। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें, हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं हमारी वीडियो देखने के लिए, और जो न्यू है हमारे चैनल पे वो भी, उनसे भी हमारी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे माशाल्लाह, हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमें इजाज़त दें, हमारा रून धूल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।